समान काम समान वेतन ईपीएफ व रेगुलराइजेशन की मांगों को लेकर पीजीआई कंट्रैक्चुअल और सफाई कर्मियों ने पीजीआई प्रशासन के खिलाफ विशाल रोष प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने ये रोष प्रदर्शन पीजीआई कॉन्ट्रैक्ट यूनियन व सफाई कर्मचारी यूनियन के बैनर तले किया। सैकड़ों की संख्या में उपस्थित कर्मचारियों ने पीजीआई प्रशासन की कर्मचारी विरोधी नीतियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। दोनों यूनियन के जनरल सचिव देवराज व श्रीपाल ने बताया कि अपनी मांगों को लेकर उनका यह संघर्ष पिछले 8 दिन से चल रहा है। संघर्ष कर रहे कर्मियों ने अपने स्वास्थ्य की चिंता किए बगैर की बारिश में भी पीजीआई प्रशासन के खिलाफ धरने में हिस्सा लिया, जबकि पीजीआई व पुलिस प्रशासन ने वर्कर्स यूनियन को बरसात के बावजूद टेंट लगाने की सुविधा तक नहीं लेने दी। वर्कर्स ने अभी तक बिना लाइट व पानी के धरना प्रदर्शन किया। यूनियन ने चेताया कि बिना सुविधा के उन संघर्ष कोई अनहोनी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी पीजीआई प्रशासन की होगी। मेरा नाम संजीव कुमार है, मैं पीजीआई कॉन्ट्रैक्ट वर्कर यूनियन का प्रेसिडेंट और हम लोग यहाँ पर जो अपनी डिमांड है वो सेम वर्क सेम स्केल को लेकर है। मैं यहाँ हॉस्पिटल अटेंडेंट का काम करता हूँ और यहाँ पर काफ़ी हमारे वर्कर हैं जो सफाई कर्मचारी है, LDC, MRC है, लिफ्ट ऑपरेटर्स हैं, माली हैं और कई तरह के यहाँ पर जो है कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स काम करते हैं। हमारी सिर्फ एक ही डिमांड है सेम वर्क सेम स्केल को लेकर। तो क्या कुछ डिमांडें हैं वो भी एक्सप्लेन कर दीजिए। हाँ बिल्कुल जी, हमारी और भी सारी जो रूटीन की डिमांड्स हैं हमारे ईपीएफ को लेकर, ईएसआई को लेकर जो आज तक कॉन्ट्रैक्ट नहीं दे पाता है या दे भी रहा है तो गलत तरीके से दे रहा है सर, उसकी भी डिमांड हमारी साथ के साथ चल रही थी। लेकिन उसके अलावा जो हमारी सेम वर्क सेम स्केल को लेकर जो है मेन डिमांड हमारी वही है। तो इसके लिए आपने अधिकारियों को अपनी बात पहुंचाई कि नहीं? बिल्कुल, ये आज का मैटर नहीं है, 2007 से चल रहा है। 2010 में हम पहली बार जीते हैं, उसका 2012 में एक नोटिफिकेशन हुई है भारत सरकार की तरफ से। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।